लेकिन हमारे बनारस काशी की ये बात है, जिस काशी में इंसान नहीं देवता तरसते हैं जन्म लेने के लिए, उस भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी की ये बात है। मास्टर कहना के तनी स्वर देखिए वा मास्टर, चार लाइन भूमिका में मौत का परिभाषा लिखलन कवि जी हमरे का लिखल गई मास्टर, तो मौत है महबूबा साथ ले जाएगी, जो भी आया यहाँ उसको निश्चित है जाना, इस भी शीश को है झुकाना पड़ा, मौत के आगे चलता ना कोई बहाना, दिन ढलेगा तो हर हाल में रात होगी, अरे कटु सत्य नियम प्रकृति का पुराना, अरे हिले रोजी रोटी बहाने सियाराम कहता है सारा जमाना। सियाराम कहता है सारा जमाना, लोग कहला हम ना कहथिला, ये हम ना कहती भैया हाथ जोड़थिला, पुरनिया कलेमो की हिले रोजी बहाने मौत बाबा, जे कराए जाई जहां जब जवने रूप में ओके ले जाई, कोई यहां हमेशा हमेशा के लिए आयल ना हो ना है ये बाबू। एक लाइन यहां बड़ी सुंदर गजल है मास्टर, गीत कवन से कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा पर बिरहा सुने वाले हमरे बिरहा के प्रेमी लोग जरा ध्यान दी है लाइन पर का लिखल गई, अरे जिंदगी गुजरती है, अरे
जिंदगी गुजरती है, मौत के ही साया हमें जिंदगी की साया में, आदमी उलझता है मोहमद और माया में। लोग कहला कि काम क्रोध मद मोह लोभ जे ये पांच से बचल होके स्वर्ग मिलल, लेकिन यही में हम आप फंस जाइला, स्वर्ग कहाँ मिल पावत। लेकिन फिर वही सवाल उठला कि स्वर्ग को किसने देखा है, के देखले है। लेकिन फिर भी एक बात हम बता दे कि अपन कर्म करे के चाहिए, अपन कर्म बढ़िया से ईमानदारी से करे के चाहिए, उसे बड़ा कुछ ना। कहानी शुरू है मास्टर, आवा काशी नरेश विक्रम सोए थे रात में, एक चोर चला चोरी करने के घात में, किले के अंदर घुस कर स्थान लिया है, रानी भी आ रही है अनुमान किया है, पकड़ न जाऊं देख तपर देख आड़ी से, आया है एक मेढक उसी के वाड़ी से, बहुत पाए पाए कहले भी रहा ना होले बिरहा हुआ है। बार बार कबीर जी बतावल हमके झूठा हाँ हो कि बार बार बिरहा हुआ है, जवन कहानी अदमिन के साफ साफ दिल दिमाग पे साफ साफ समझ में आ जाए। कुछ गवैया हुआ हाउर 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 अपने मन को में राम करित करी है, अदमिन के पल्ले पड़ो चाहे मत पड़ो, हम तो पसीना फेंक के खाली है, वो हमार देन ना है, वो हम ना करीला। साफ सुना बिरहा सुने वाले भैया लोगन से निवेदन बा, तनी सा ध्यान दिए, कहानी बतौली काशी का। काशी नरेश विक्रम रात का टाइम अपने शयन कक्ष में सूतल हवा, उनकर रानी चलनी राजा के सेज पर सूते बदे, रात का टाइम है। रानी जब राजा के शयन कक्ष में जात है, पहुंचे के तब पहुंच गई ली, आज जैसे ही पीछे मुड़ के केवाड़ का पल्ला बंद करे लगली, इतना बड़ा मेढक वही रानी के पीछे खड़ा है। हम कहीं खड़ा है कि बैठल है, लेकिन वही रानी देख ली तो इतना बड़ा मेढक वही बैठल है। रानी सोचे लगली कि राजा गहरी नींद में सूतल हुआ, ई मेढक का जात अगर उछड़ के कूद के जाए के चढ़ गल राजा के ऊपर, तो राजा अलहर नींद में उठ जाइए। रानी नयाओ देखली नताओ इतना बड़ी फूले का थरिया, पहले के जमाना में फूले का पितरी का कासा का बढ़िया बढ़िया बर्तन रहे, अब ना स्टील चलल है। रानी देखली इतना बड़ी फूले का थरिया, वही थरिया से मेघा के जो है कहते हैं तोप के जाए के राजा के सेज पर सूतक का तैयारी करे लगली। सारा नजारा के रानी के अलावा दूसरा व्यक्ति वही कक्ष में बात देखत के रहल, बहुत बड़ा चोर चोरी करे के घात से घात लगा के पर्दवा के आड़ में छिप के बैठल कि राजा रानी सूत जई हां तो सारा माल लेके फरार हो जा। घात लगा के बैठल सारा नजारा देखत है रानी का, और रानी राजा के सेज पर सूते के तैयारी करत ही मेघा का जात तोपल में उछड़े लगल, और जब उछड़े लगल तो पट पट का आवाज आई, एक तो फूले का थरिया, हाँ एक तो फूले का थरिया जब उछड़े लगल तो पट 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 पट, राजा का नींद गई खोल। राजा कहले अरे ई आवाज कहाँ से आवत है, यहाँ में तर्ज लगल मास्टर। Yeah,
भाव होला, कुछ न कुछ राज होला। कोनो लड़की का बियाह भेल, ससुरे गईल, माई फोन मिला के पूछत है कि का हो बिटिया कैसे हो। लड़किया कलस की माई पूछ मत, सुन का सुनावत छ। तोहरा कुल पर बहुत चैन अमन से हिला। हम तो सोचले ना रही कि मार इतना नीक ससुराल मिल जाए। बाबा आए हाय हाय, सबके होखे के चाहिए भगवान, लेकिन भाव है विरह के अंदर का। राजा कहल रानी का गया चार राज में पानी हो। बाबूजी राजा कहला कि रानी सोर कहाँ हो था। तरानी कली कि राजा वही थरीवा के नीचवा मेघा तोपले हिला। राजा मजाक कैले, कला हमरे तोहरे बीच में ही मेघा के काली याद दिलवा, का एकर जरूरत रहली है, तो के कर आवश्यकता का पड़ गई। रानी कली चुप रहता, तो हूँ हरदम मजाक के मूड में रहला। राजा कहला ये रानी कौनो निर्दोष जीव के बंदी ना बनावल जला, बाबा ओके बहरे ले जा आजाद कैदा। रानी कली की बड़ी रात हो गई, सुता सवेरे जोन हुई तोन होई। राजा कला की नाही अब एकदम ओके ले जा बहरे कैदा। रानी अस्कत करे लगली, नाही नुकुर कैली, त राजा सेज से उतर गईलन। कला तू हऊ मेहरारू, तोरे लगत है अस्कत, हम मैं जाएदा, हम ओके बहरे कह के आवत थी। ए बाबू गौर करीहन, जैसे ही राजा थरीवा उठोले हुआ, मेघा मेघा ना गेहुअन कीड़ा बन के राजा के डस ले ले। जैसे ही राजा के डसले है, राजा गिरल हुआ। जब राजा गिरल, रानी को घोर आश्चर्य कि तोपली मेघा आई कीड़ा बन के ऐसे राजा के हमरे काट भी ले लेस। रानी छाती पीट पीट के रोवे लगलीन, बिरहा में सोरठी से भाव हो। रोवे महारानी लेके साजा ना कलसिया यार साजा ना कलसिया नयनन से बारा से लोरन हो रानिया मेरे नयन से बारा से लोरन हो रानिया मेरे नयन से बारा से लोरन हो रानिया।
समय बीतल राजा काशी नरेश विक्रम की मौके पर मौत हो जाती है। रानी लेकर के लाश राजा करोवत ही रोवाई सुन के पूरा महल में लोग जुटल हुए। लेकिन गौर करें काटले के बाद उस सर्प कैलस का मास्टर पूछ देर सब रोए मेरा काशी नरेश के गम में डूबल बा। हर कीड़ा काट के खिड़की का रास्ता पकड़ ले है भागे शुरू कैले से। सारे नजारे को पर्दे के पीछे बैठा चोर देख रहा है। रानी तो पली मेघा राजा उघारा गई थरिया तई कीरा काट ले काशी नरेश का मौत हो गई। बड़ा दिन चोरी कैली हे मन लेकिन ऐसा नजारा जीवन में ना देख ले रही है। चोर कैलेस का मास्टर पीछा कैल चोर देखा जाके पीछे पाना वायर जाके पीछे पाना नारी बना लबा सुंदर गोरन हो बाबूजी। जब चोर पीछा कैलस के चल के कर पता लगाई कि आखिरी सर्प बन के राजा के काट लेलेस भागत है। बड़ा दिन चोरी केली लेकिन ऐसा नजारा ना देखले रही है। बाबा एकर पीछा करब आखिर सच्चाई का है। जब चोरवा हुई भीड़ का फायदा उठाए कोई कीरवा का पीछा कैलस तो जंगल में पहुंचल है। जब जंगल में पहुंचल तो कीरा कीरा ना रूप बदल लेले सुंदर नारी का रूप बनाया। जब सुंदर नारी का रूप बनौले है पंचो देखलेस चोरवा अवाक हो गल की अरी सर्प बन के राजा के डसलेस मेढक बन के महल में प्रवेश कैलस सर्प बन के राजा के डस लेलेस आ जंगल में आयल तो सुंदर नारी का रूप बना लेलेस छेक लेलेस। छेक करके रास्ता एक बात कहल चाहा था बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर ये गीत हमारे उस्ताद लोगन के मुहे सुन ले हुई है ना आप लोग का गावे उन लोग अरे का पागल आ गई लू ना मोरी अइया मास्टर साहब का हम तो देखी तो हार कर दुनिया धनिया कहवा तू जाई बू हो।
द्वार कलश किया है सुंदर नारी, मेढ बन के राजा के महल में तूने प्रवेश किया, सर्प बन करके काशी नरेश विक्रम को डस लिया, राजा की मौत हो गई। और जब जंगल में आई तो सुंदर नारी का रूप पकड़ लिया, अय बहरूपिया कौन है तू, कौन है, साफ साफ बता दे क्या है तेरा नाम, वह का भेल मास्टर करेंगे बाबूजी, बोल पड़ा वह छोर, आखिरकार कौन है तू, साफ साफ बता दे कहां की रहने वाली है, क्या नाम है तेरा, और क्यों तूने काशी नरेश विक्रम को मारा, आखिर तू कौन है। अरे बाप रे बाप, इतना बात जब रोक के रास्ता चोरवा कहले है, जब इतनी बात सुन ले चोरवा का, पलट करके देखले चोरवा के, पलट के देख के ठट्ठा मार के हंसे लगल सुंदर नारी, हंस करके कह देती है कि हट जा मेरे रास्ते से, हट जा मेरे रास्ते से, हट जा मेरे रास्ते से, कलश की ना ना, जब तक तू ना बतेबी तब तक ना हट, तब तू कौन है, क्या नाम है तेरा, तब बतौले मास्टर, जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, सुन ले मेरी बात भाव तेरी से मास्टर, बताई ही रनिया, अरे भैया करनवा तब बताई ही रनिया, हमके महाकाल के नाम से जाना दुनिया, अरहर दुनिया, अरहर दुनिया, करनवा तब बताई रनिया, हमके महाकाल के नाम से जाने दुनिया हो, करनवा तब बताई रनिया, खला हट जो, जिद मत कर, तोहरो निराई गई ले लगा, हम कोनो साधारण मेहरारू या कोनो साधारण मनई नहीं हई, मैं महाकाल हूँ। जब चोरवा सुनलस कि महाकाल कल हाँ आज काशी नरेश का आखिरी दिन रहा, अपने काम के अंजाम दे के जाती हमरे रास्तवा से, हट जो छोड़ दे हमारा रास्ता, इतनी बात काल का सुन के वो चोरवा गनगन गनगन कांपे लगल, कल काल हुआ कल काल ना महाकाल हिला, हट जो, तो कलश की ठीक है हम रास्ता छोड़ दे, लेकिन एक शर्त पर, कलश की का शर्त है, कल एक शर्त पे बस हमें इतने बता दा कि हमार मौत कब कहां कौने रूप में तो से भेंट हुई, हम कैसे मरब यह बता दा, ओकरे बाद छोड़ देती रास्ता हम जा, विरह का आखिरी तर्ज मास्टर भैल का, फिर बतावे चलत हिला की गीत बड़ी पुरान है, पुरान पहले का गवैया गाँव में स्वर्गीय रामदेव गुरु बुल्लू गुरु ये लोग गौला गाय के गईला, गा के जा नहीं भैया इस मत, अरे घरे हाँ जाब, उम्र समय से न जाबो की अब मुआ दे, उम्र समय थोड़े देखे के नहीं से मत कहा भैया, आवा तनी तो कौन गीत है, छपरा सहारिया में अरबी के लाच रखवा देवर जोगिर भई, तनी से और बदल दे पुरनिया हरे का गवा मास्टर की कहवा का
बढ़िया जवाब दे कि आरा का खैर चुनवा बनारस का पान हुगली कट्टी कुली लीलरवा मारे हो जान। लेकिन गुलाब भैया यही के तनी से कवि जी हमरे बदल देला, हम गाईला क्या गाईला कि अटले का खयार चुनवा अरे पाटले का पान में हरी कट्टी कुली पटले का खैर चुनवा पटले का पान। अच्छा पटत था दिन भर में हमार तू खाला हम तुहार खाली, आ अटत था 10 बीड़ा घुलाए के घुमा, ना अटत था 1 बीड़ा के शंभू भैया मोहाल हो। ए लिए लिखलन बारे कवि जी, लेकिन भाव हबी रहा केंद्र मास्टर का लिखल गई। अरे रूपवा हा बदली के बोला अरे काल देख छनवा का मगी बधनवा करी सभी को जिसकी जवाब जाती है मेरा ही हाथ रहता है मारने में, मैं महाकाल हूँ बाबा। तब चोरवा कहले से हाथ जोड़ चोर का हम के बता दा की सुनो। यही जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें कब मारूंगी, कब तुम्हारी मौत होगी, कब तुम मरोगे, किस रूप में तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी, यही जानना चाहते हो कलश की। हाँ सरकार, इतना हमें बता दा बस। बोल पड़ा वह काल, इस पेड़ को देख रहे हो, इसी पेड़ पर 20 साल बाद मेरी और तेरी मुलाकात होगी। कलश के यही पेड़वा पर 20 साल बाद कैसे कलप फांसी हुई। ये काशी नरेश जे के मार के आज जात हिला, ये नहीं कर रानी राज गद्दी पर बैठी है, राज चली है। और है रानी तो के 20 साल बाद यही पेड़वा पर फांसी दी है, कोई फांसी के फंदा के रूप में तोर हमसे मुलाकात हुई। इतना कही के काल गायब, काल वहां से चला गया इतना कह करके। अब चोरवा सोचे लगल कि हे मन तू ही चलाक ना हो, हम हूँ बहुत चलाक हिला, ला जब बताई देहलू तो सुना हम उपाय लगावे चलती। चोरवा उपाय का लगल से बाबू जी भाव पहपट के अंदर है। अरे मौत के डर से चोर बसा अरे परदेश देश को छोड़ दिया, बाकी जिनकी वही बिताया शेष देश को छोड़ दिया। अरे 20 वर्ष का समय वो अपना आखिर वही बिताया हो, एक दिन जंगल में पाके तब काल रचा है माया हो, रथ पर नारी रोती मिली अरे विशेष देश को छोड़ दिया। अरे नारी तू क्यों रोती, क्या क्लेश
कैलेस बुद्धि की जब बता दिले के पेड़वा पर 20 साल बाद फांसी हुई, एजा हमार मौत है ई पेड़वा पर, तो हे मन न यहाँ रहब न हमार मौत होई। मौत के डर से चोर बसा परदेश, देश को छोड़ दिया, बाकी जिंदगी बखी बिताया शेष देश को छोड़ दिया। आई हो बाबू, छोड़ के काशी चल दिले महाराष्ट्र की धरती पर। चोर रहबा कर, चोरी करना उसका पेशा था, महाराष्ट्र के धरती पर पहुंच गल, चोरी करे लगल। चोरी करते 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 बहुत बड़ा सेठ साहूकार बन गयल। तो देखा यही जब हम बतावे चला थे कि जब बहुत बड़ा सेठ साहूकार बन गल, धन अपार हो गयल, तो जब धन बढ़ाला तो आदमी का मन भी बढ़ाला, धनवान हो गल, चोर बहुत बड़ा सेठ हो गयल, धन इतनी अकूत को उकरे हो गयी कि उकरे समझे में ना हो कि का करी। एक दिन यही तरह जंगल में निकल, सैर सपाटा करे बदे बाबा घूमत घूमत जंगल के बीच घनघोर जंगल में पहुंच गयल, थकल बैठल, फिर उठ के चले लगल, तबले एक सुंदर मेहरारू नजर पड़ गई। मेहरारू के ऊ कहो के तनी खराबो रही है, देखिए आदमी एक बार कही हाथ हेव, हाथ हेव, देखले चोरवा जंगल में अकेले मेहरारू घुसकत 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 अगरे लग गेल पहुंचल महाराज जाए के कलस की जंगलवा में अकेला का करत हो, जंगलवा में का करत हो, अकेला हो कि और कोई। अरे बाप रे बापी, तो मजाक के मूड में, लेकिन वो मेहरारू मजाक के मूड में ना, वो सीरियस है। पकड़ के कलाई लेके गईल कलस की जंगलवा में अकेला ना हिला, पकड़ के लेके कलाई गईल कहाँ, ओकरे पति का लाश बगले में रखले है, लेके अपने पति के लाश के लगे गईल कलस की, देख लाई हमार पति हुआ मर गल हुआ, कल कैसे मरल के मरलस, कलस की कातिल कत्ल कैके फरार हो गयल है। अगर अबला के मदद करल चाहत हुआ तो वो कातिल के पकड़े में हमार मदद कह दा, जान जाब की बहुत बड़ा मर्द हुआ, मर्द रही तब बात लग जाई हो बाबू। लग गई बात कलस की, चल कहा के हार गयल है, दौड़ल है कल ऐसे ना पैबा, कलस कैसे कलस की आवा रथिया में हमरे बैठ जा, अचल के ओके दौड़ा के पकड़ल जाई यही दिशा में गयल है। चोरवा न आओ देखलस, न ताओ, न सोचलस, न समझलस, वही में बैठल ले के रथिया, वो रथिया चलल ही वही में अपने पति का लाश ले ले है। तब भाव आल्हा से लगल मास्टर,
सब बात के समझ लाए बाबू, अब कहानी ऐ जतनी से सीरियस हो गई। रथिया में लेके बैठल जरूर हो चोरवा के रथ लेके चलल, आ जब रथ लेके चलल बाबू लेहले 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 रथ वो महाराष्ट्र के कोलाबा जंगल से चल आई लो कातिल के तलाश में, कहां काशी के धरती पर। काशी के धरती पर आए के चिल्लाए लगल छाती पीट पीट के रोए लगल, गुहार लगा दिलस रानी साहिबा के दरबार में कि मुझे न्याय दिया जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। बाबा रानी को खबर लगा, रानी ने कहा दरबार में पेश करो उसे न्याय मिलेगा। और जब दरबार में पेश भइल छाती पीट के रोए लगल रानी कलिन, कौन तेरे पति का कत्ल किया है, कौन कातिल है, किसने इसकी हत्या की है। कलस की रानी, मेरे पति का हत्यारा कहीं दूर नहीं आपकी आंखों के सामने है, कौन है जानत हुआ के बतौलेस। खलस की रानी साहिबा, मेरे पति का हत्यारा कोई और नहीं, मेरे पति का हत्यारा ये है, इसने मेरे पति का हत्या किया, ये कातिल है, इसको सजा दीजिए, मुझे न्याय दिया जाए। अब तो चोरवा का हवा खराब, कलस की अरे इशारा करत ये हमरे तरफ, हम एक न जानत बाड़ी, नकरे आदमी के जानत बाड़ी, न एकर हत्या कैले बाड़ी, हम चलली एकर मदद करे बदे, कलस कातिल के पकड़े में मदद करा, मदद करे चलली वहां से ले आई ली, हाँ अलिया के हम ही के दोषी बना दे, हम ही को गुनहगार बना दिया इसने। हाथ जोड़ के चोरवा कलस की रानी साहबा, हम तो एक जानत तक नाई कतल कैल तो दूर का बात है। रानी कली की हर गुनाह करने वाला गुनहगार यही कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया, तुमने गुनाह किया तुम्हें सजा मिलेगी। भरे दरबार में तुरंत रानी आओ न दिखली न ताओ, तुरंत फांसी का हुक्म दे देली, कली बहुत जल्दी से कल हम फांसी चढ़ा देंगे, देर नहीं करेंगे न्याय देने में तुझे, तू अबला है घबरा मत। रानी ने भरे दरबार में फांसी का हुक्म दे दिया। चोरवा कलस की, हे मन हे रानी, जवन गुनाह हम ना कैले इला ऊ गुनाह का सजा हमके आप देवे जात हो, तो एक बात हमार सुनला, हर मरे वाली के कुछ इच्छा होले तब तो हमके आप काल फांसी दे ही देबू, लेकिन हमारी इच्छा कि दो मिनट हम आपसे अकेले में बात करना चाहती, यही मेरी आखिरी इच्छा है आपसे बात करने की। रानी ने इशारा किया, मैदान खाली हो गया। कलीन बोलो क्या कहना चाहते हो। कलस की रानी साहिबा, याद कराओ दिन जौने दिन राजा के सैन में, राजा के वो सैन कक्ष में सूते जात रहलू, तोरे पीछे पीछे इतना बड़ा मेढक आयल ओके थरिया से तोप देलू, राजा के बचावल चाहत रहलू कि शोर हुई तो राजा उड़ जिये, राजा वो जिया के सुन के पट पट जब मेघवा उछड़ लगल आवाज आई, राजा के नींद खुल गई, राजा का न बहरे कैदा ना कैलू, राजा के लो जैसे ही थरिया उठल राजा के वो मेढक मेढक ना गेहूं कीड़ा बन के डस ले, राजा मर गई। रानिया वहां की तू कैसे जान गई, ये बात तो वो सैन कक्ष में हमरे अलावा कोई ना जाना ला, राजा मरी गई लन, लेकिन तुम कैसे जान गए, कलस बहुत बड़ा चोर हिला, और वो रात तोरे सैन कक्ष में हम पर्दा के आड़ में घात लगा के बैठल लली कि तू दोनों परानी सुजीबा तो सारा माल लेके फरार हो जा। ए रानी, जब राजा के कीड़ा काट लेलस तू रोवे लगलू, पूरा लोग जुट गईलन वही भिड़िया में, जब किरवा काट के खिड़की से भागे लगल तो हम वही किरवा का पीछा कर ले ली, अब पीछा के लिए जंगल में ली तो वो कीरा कीरा ना सुंदर नारी का रूप बना ले, पूछली कि कौन हो, क्यों ऐसा करके जा रही है, तू रूप बदलने वाली है, रुपया कौन है। तब वही समय बतौलस कि हम काल हिला, आज काशी नरेश विक्रम का मौत रली मार के जाती ला, हमार रास्ता छोड़ दे ना छोड़ली, जिद कैली एक बात पूछली कि हमार मौत कब कैसे हुई, कौने रूप में तो से हमार भेंट हुई, तो बतौले रहल कि 20 साल बाद यही पेड़वा पर तो के यह रानी फांसी दे दी है। हम भुलाए गए कि काल नाग पंचमी का त्योहार है, और काल नाग पंचमी का दिन 20 साल ओके कहले ही बात हो जाए, और 20 साल एकर मतलब बीत गला, मार मौत आए गई लिया मैं कोई बचा ना सकला, यही मौत से डर हम चल गेली काशी छोड़ के महाराष्ट्र के धरती पर, लेकिन हमके पता ना रहल कि हमार मौत हमके वहां से खींच के काशी लेके आई, जहां हमके मरे के अब कोई बचा ना सकला, लेकिन सच्चाई तो यह है रानी कि हम ओके जानत तक ना गईला, मारल तो बड़ी दूर का बात है, लेकिन आज हमके ही बात
आभास होगल सही कहले हुए पुरनिया की हिले रोजी बहाने मौत और आज कहावत सत्य हुए जात रानी तोहु फांसी का हुकुम दे देलू लेकिन सच्चाई है कि हमने गुनाह नहीं किया है बाबा। मैं बेकसूर हूँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया गिरानी साहिबा हम चिल्ला चिल्ला के छाती पीट के बात के कहती लेकिन तोरे समझ में ये बात ना आई तोहार दोस्त ना गा दोस्त हमारा कि अब हमें मरे के मार मौत काल हो गई मरना है तो मरना है रानी साहिबा बस यही मुझे आपसे कहना था मैंने आपसे कह दिया अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना बाबा। रानी को घोर पश्चाताप हुआ बाबू कि एकर बात सही है कहीं ऐसा तो ना कि हम गलती कर जाती बोल पड़ी रानी साहिबा तू निर्दोष है तेरी बात में सच्चाई लग रही है तुझे फांसी कल होगी लेकिन ओ में हम संशोधन करब अब रानी काशी नरेश का पत्नी संशोधन करे चल रही बाबू फांसी में का संशोधन करती खड़ी कई आखिरी लाइन सुन के रानी सब कहानी अरे तब गिरावया सिया बाकी बाट गुना गरवा दिया ही फसी धागा तुहरे गले में डलाई हो अब फर्ज पूरा हो तुहार जान बची जाई हो कोई हमके भी बनावे अरे ना ही पाई दो सिया गौर करेंगे बाबूजी रानी कहली की संशोधन करब तो के फांसी जरूर हो चुकी हम भरे दरबार में फांसी का हुकुम दे चुकल हिला तुझे फांसी होगी जरूर लेकिन मैं तुझे बचा लूंगी छोरवा कलश रानी फांसी देबू और बचेबो करबू दोनों बात समझ में ना आवे तो कली की सुना कच्चा धागा का फांसी का फंदा हम बनवाई वो बात के खाली हम जानब जोन फंदा बनाई ऊ जानी एक खे तू जानत हुआ और कोई न जानी फांसी का फंदा कच्चा धागा का बनवा कोई पे लटकवा दे तो के फांसी दे दे धागा टूट जाई तोर जान बच जी मर बात भी रह जाई कोई हमके भी बनावे ना ही पाई दोसिया बाकी बाटा गुना गरवा हो दिया ही फसिया बाबा चोरवा कलश की बस 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 एकर मतलब की लगत रानी अब हमार जान बच जाई रानी कच्चा धागा लटकवा देली फांसी का फंदा बनवा करके बाबूजी बाबा और वही फांसी के फंदा पर चोरवा के बाबू लगा गल लटकाए गल और लटकाए के जल्लाद पकड़ के खींच दहलन और जब खींचलन तो भयल का फांसी का फंदा कच्चा धागा का बनावली हो अब फर्ज पूरा करे खातिर चोर के झूलावली हो मरीगा चोर बनल काल अरे कच्चा धागा रसिया मरीगा चोर बनल काल कच्चा धागा रसिया बाकी बाटा गुना गरवा दिया ही फस आखिरकार वह कच्चा धागा करानी साहिबा फांसी का फंदा बनवा को ही पेड़े पर लटकवा दली खींच के जल्लाद ले गई पकड़ के गले में ढाल के रस्सा फांसी का फंदा डाल के रस्सा खींच दलन खींच दलन जल्लाद और वह फांसी का फंदा चोरवा का काल बन गया वह कच्चा धागा बाबू ना ही टूटल जल्लाद खींचलन आखिरकार चोरवा का अंत हो गया मर गया वह निर्दोष चोर कहले का मतलब यह है कि जब मौत आ जाई तो लाख करे चतुराई विधि के लेख मिटे ना पाई क्यों कितनो चतुराई कर ले मौत महबूबा है आज नहीं तो कल ये महबूबा छोड़ने वाली नहीं है ले जाएगी यही बदे कवि जी लिखलन मौत है महबूबा साथ ले जाएगी जो भी आया यहाँ उसको निश्चित है जाना इस भी शीश को है झुकाते सदा मतलब कहले कही है कि भगवान अलन वो चल गईलन
तो हम आप तो आम इंसान है, तो जो आया उसे जाना गया, आखिर चोरवा का अंत हो गया। रानी हाथ मिस के रहेगी नहीं कि आखिर ओके हम बचा ना पोली। तो जहाँ भगवान का हाथ बाह लग जाई लपट जाइये वहाँ इंसान बचा न पाई। कल एक मतलब यह है कि ये समूह भैया जब तुहार मौत आ जाई तो ठोकर लग जाई मर्जी बा। अब मौत ना लिखल तो कई फिट खाई में गाड़ी पलट जाए, मौत ना लिखल तो ना मरबा। कहले कई मतलब है, कहानी यही खत्म होती है बाबू जी। खानदान का परिचय गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में तऊ हो कह रनमा तब बताई रनी।